हाँ जी गाइस, आज हमारे स्टूडियो में बोट की एक स्मार्ट वॉच जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है वो की है बोट वेव एज। और जैसा कि नाम में ही इन्होंने एज लगा दिया है तो यहाँ पर आपको एज टू एज डिस्प्ले देखने मिल जाता है और इसी की वजह से ये वॉच इतनी प्राइस रेंज पर काफी ज्यादा प्रीमियम और एक स्टाइलिश लुक देती है। लेकिन ये इसकी सिर्फ एक साइड है, अगर इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इसकी दूसरी साइड भी देख लो वरना काफी ज्यादा घाटे का सौदा कर लोगे। और वैसे भी फेब का मंथ चल रहा है तो पैसे थोड़े सोच समझ के खर्च करना वरना आपकी लाइफ में टेक्निकल इश्यूज काफी ज्यादा आने वाले हैं। अभी थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि क्यों मैंने इस वॉच को बाय किया। फ्लैशबैक, तो मैं रैंडमली अमेज़न पे स्क्रॉल कर रहा था और फिर मुझे ये वाली वॉच दिख जाती है। तो मैंने कुछ रिव्यू वगैरह देखे जो कि सही थे एंड जब मैंने एक रिव्यू में इसकी H2H डिस्प्ले देखी तो भाई मेरा इस पे दिल आ गया और मैंने फिर बिना कुछ सोचे से ऑर्डर कर दिया। तीन से चार दिन के बाद हमारे पास वॉच आ जाती है और ये रही हमारी। अब बात करते हैं कुछ प्रोस की या फिर आप कह सकते हो इसके फीचर्स की जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है। तो सबसे पहले इसकी बॉडी है वो आपको मेटेलिक देखने को मिल जाती है जो कि इसको बिल्कुल प्रीमियम वाली फीलिंग देती है। इसी के साथ आपको जो स्ट्रैप्स है उनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है और ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप के साथ आती है। तो आप चाहे तो फ्यूचर में स्ट्रैप्स को भी चेंज कर सकते हो और इस वॉच को और भी अच्छी लुक दे सकते हो। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की जो कि इसका मेन हाईलाइट है, इसमें आपको 1.85 इंच का बेजल लेस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अराउंड 90% है जिसकी वजह से इस वॉच की डिस्प्ले की लुक काफी ज्यादा प्रीमियम फील होती है। और ये डिस्प्ले 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है तो आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट की विजिबिलिटी में भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और जो आपको अदर बजट स्मार्ट वॉच में जो लैगी से यूआई देखने को मिलता है उसकी दिक्कत आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाली क्योंकि इसका जो यूआई है वो काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करता है। तो यूआई के लिए तो बोट को थम्स अप है। और ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो इसी में आपको डायलर देखने को मिल जाती है, आपकी कॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाती है और कॉन्टैक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहीं से आप कॉल भी कर सकते हो और कॉल को अटेंड भी कर सकते हो। एंड इसमें आपको इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी की बात करें तो उसकी ऑडियो इसके स्पीकर से आ जाती है और जो ऑडियो इसके माइक से चली जाती है एंड जो स्पीकर एंड माइक की क्वालिटी है वो भी काफी डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। और ये वॉच IP68 के वाटर रेजिस्टेंट को सपोर्ट करती है तो इस वॉच को आप थोड़े बहुत पानी में भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको SPU2 HR और स्लीप मॉनिटरिंग के सेंसर देखने मिल जाते हैं जो कि आजकल इस प्राइस में आजकल सभी वॉच में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर बात करें इसकी बैटरी की तो अगर आप इसे कॉलिंग मोड पे ऑन करके रखते हो तो अराउंड ये 2 से 3 दिन का बैकअप दे देगी और अगर आप विदाउट कॉलिंग यूज करते हो तो ये अराउंड 5 से 6 दिन चल जाएगी। तो अगर आप दिन भर कॉल पे लगे रहते हो अपने बाबू सोना जो भी है उसके साथ तो शायद से आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं इस वॉच के कॉन्स की और कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि इस वॉच में मुझे फेस करनी पड़ी है। तो अगर आप इस वॉच को लेने का सोच रहे हो तो इन चीजों के बारे में जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो दिक्कत मुझे वॉच को ऑन करते इसके डिस्प्ले में देखने के लिए मिली। तो देखो मेरा यहाँ पर प्राइमरी फोन मेरा मी 11 लाइट 5G है और इसमें मुझे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। उसकी वजह से इसकी जो डिस्प्ले काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी होती है और जो आपको ब्लैक लेवल देखने को मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा डीप देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टाइम मुझे डिस्प्ले की क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट उतना ज्यादा अच्छा देखने नहीं मिला और शायद से मुझे इसलिए लगा क्योंकि रेगुलरली मैं जो एमोलेड डिस्प्ले का यूज करता हूँ और इस वॉच में आपको IPS डिस्प्ले देखने मिलता है तो मुझे ज्यादा कॉन्ट्रास्टी और डीप ब्लैक कलर देखने की आदत हो चुकी है। आई थिंक मुझे इस वजह से इसका डिस्प्ले थोड़ा फीका फीका लग रहा था। अब सेकंड प्रॉब्लम मुझे फेस हुई कॉलिंग फीचर में और ये काफी इरिटेट करने वाली प्रॉब्लम थी क्योंकि आपको जब भी इस वॉच का कॉलिंग फीचर ऑन करना है तो इसको आपको आपके मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। अगर बात करें मेन प्रॉब्लम की तो ब्लूटूथ से वॉच को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपने मोबाइल में कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी ऑडियो या फिर कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो उसकी जो ऑडियो वो इस वॉच के साउंड से आती है और जब मैं अपने मोबाइल की ब्लूटूथ की सेटिंग में जाके मीडिया ऑडियो के ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ तो इस वॉच में कॉलिंग का फीचर भी काम नहीं करता है। इस वाली प्रॉब्लम ने मुझे इस वॉच में काफी ज्यादा इरिटेट कर दिया है एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम अपडेट के साथ भी फिक्स हो सकती है। और अगर बात करें थर्ड प्रॉब्लम की तो इसमें आपको जो वॉच पीसेस है वो आपको अराउंड 90 से 100 देखने के मिल जाते हैं एंड मुझे पर्सनली काफी कम वॉच पीसेस में पसंद आए हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच ले रहे हो और अगर उसमें वॉच पीसेस में लिमिट हो तो शायद से ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल 4 वॉच पीसेस देखने मिल जाते हैं और बोट वेरेबल्स ऐप का यूज करके आप इसके वॉच फेसेस को जो चेंज कर सकते हो और आप चाहो तो अपना कस्टम वॉच फेस जो क्रिएट कर सकते हो। और अगर बात करें फोर्थ प्रॉब्लम की, जैसे मैंने इस वॉच को पहली बार पहना तो थोड़ी सी वेट में ज्यादा फील होती है और जब भी आप इसको पहनोगे तो वो आपको बार बार थोड़ा सा फील होने वाला है कि हाँ मैंने कुछ भारी सा पहन रखा है। उतना ज्यादा भी नोटिस नहीं होता है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो नोटिस होता है। अगर बात करें फिफ्थ कौन से प्रॉब्लम की, तो इसका जो राइज टू वेकअप वाला फीचर है वो कभी कभी वर्क करता है और कभी कभी बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो आपको मैक्सिमम टाइम इसके क्राउन से जो इसको ऑन करना पड़ेगा। ये थे इस वॉच के प्रोस एंड कॉन्स। अब अगर बात करें कंक्लूजन की कि आपको इस वॉच को लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो वॉच दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है और काफी ज्यादा प्रीमियम फील होती है और इसकी जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम देखने में मिल जाती है। ऑल्सो आप चाहो तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हो और इसमें आपको जितने भी मेन सेंसर है SPU2 HR और स्लीप मॉनिटरिंग वो आपको देखने में मिल जाता है। तो अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा यूज करने वाले तो आप इसको ले सकते हो। और अगर आप इस वॉच को फ्लेक्स मारने के लिए ले रहे हो, मतलब कॉलेज और स्कूल में मस्त फ्लेक्स मारने के लिए देख मेरे पास भी वॉच है, इसकी जो डिस्प्ले की डिजाइन है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। ओवरऑल ये वॉच काफी ज्यादा अच्छी है और जितने भी मैंने इसकी
और प्रॉब्लम्स बताई हैं वो इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स हो सकती है। तो अगर आप बजट में एक स्टाइलिश वॉच लेने का सोच रहे हो तो इस वॉच को आप बाय कर सकते हो। इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होती है और इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जो इसे बाय कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होप करता हूं कि आपको वीडियो जैसे पसंद आई, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड